हेलो गाइस, मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है तो आज इसका जो है आपके सामने ओपन करके मैं देखती हूँ ये कैसा है। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे जो है इसका बहुत ऐड आ रहा था तो सोचा क्यों ना जो है इसको ले करके देखूँ कि कैसा है, ये कैसा वर्क करता है। पैकिंग तो सही लग रही है फिलहाल। ये है ब्रश को वॉश करने के लिए, तो थोड़ा नए तरीके का है ये टूल्स। इस पे ये दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन सारे कि हमें कैसे करना है, ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें व्हाट टू डू नॉट। इस तरीके से इसमें ये कंटेनर मिला है और ये इसके संग स्प्रिंग है। तो चलो मैं देखती हूँ इसको कैसे फिट करना है। ये तो कंटेनर यहाँ ये हो जाएगा, कंटेनर नहीं बंद हो रहा है सही से। ओके, सिर्फ ऐसे प्रेस करना ही है और ये ओके, सिर्फ प्रेस करना है इसको। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें कोई इसमें वो नहीं दिया है तो ये डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है घूमने के लिए, पर इसमें जो है इसमें जो चूड़ी बनी होती है वो नहीं बनी हुई है। तो ये जस्ट हमारा ये ऐसे नहीं बंद होगा घूम के, बस इसको ऐसे ही रख देना है। ठीक है, और वापस निकालना होगा तो थोड़ी मेहनत लगेगी आपको निकालने में ये। ठीक है, देख रहे हैं इसके अंदर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है जिस पे ये बैठ पाए ये चीज़, तो इसको हमें ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सब दिया हुआ है। और जस्ट हमें इसमें टूल्स दिए हैं तो टूल्स लगा के देखते हैं कैसे लगता है ये। जस्ट ये हमारा सिलिकॉन का है ये। ठीक है, ये बटन तो आई थिंक इसको कुछ इसमें ये नहीं दिया है मैनुअली कि हमें इसको कैसे लगाना है। ठीक है, ये तो दिया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड नॉट डू दिया हुआ है, बट ये नहीं दिया है कि इसको कैसे हमें असेंबल करना है। ये तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से ही कोशिश करती हूँ। हाँ, बॉक्स पे भी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं ये। लिखा हुआ है फर्स्ट इजी माउंटिंग विद जस्ट वन स्क्रू। ओके, फिर ड्रेन बटन विथ रिटर्न स्प्रिंग। तो यानी हमें सबसे पहले यहाँ पे ये और ये फिट करना है इसमें। ठीक है, और ये यहाँ फिट होगा। जी
और ये शायद यहाँ फिट होगा। ये दोनों मेरे, तो इसको हमें यहाँ लगाना है और जस्ट इसको पुश करना है। ये पुश हो गया, इसको यहाँ लगाना है और ये जो ये पोर्शन है ये हमें यहाँ लगाना है। तो इसको हमें देखना है ये, ठीक। अब ये स्क्रू है जिसको हमें यहाँ इसको लगा देना है। इस तरीके से बस इसको जस्ट हमें इससे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है, ठीक है। मैं भी प्रॉपर टाइट नहीं कर रही हूँ, एक बार चेक करती हूँ। फिर ये जो सिलिकॉन रबर का दिया हुआ है ये बटन, ये हमारा इसमें ये हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, ये हमारा शायद अंदर से ही लगेगा। तो मैं इसको वापस ओपन करती हूँ एंड इसको फिक्स करती हूँ। ये देखती हूँ इस तरीके से फिट होता है या नहीं, ठीक है। जस्ट इसको ये किया, हाँ ये सही हो गया। ये ऐसे ही लगेगा क्योंकि अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा पानी इसमें रुकेगा कैसे, इसलिए शायद इसको लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा पानी नीचे ना आए। अब हमें स्क्रू को ये इसमें लगा देना है। ये टाइट कर दिया, ये हमारा हो गया तैयार, ये वर्क करने लगा, देखो, ठीक है। सेम चीज़ इधर से हो रही है, तो पानी निकल जाएगा। जस्ट हमने कंटेनर में इसको रखा, ये फिट हो गया, ठीक है। और हमें इसमें पानी डाल देना है, तो मैंने इसमें पानी डाला और जस्ट इसको हमने टाइटली बंद कर दिया है। और जस्ट हमें इसको इस तरीके से रख करके, आई थिंक ये क्योंकि ये पोर्शन जो बना हुआ है ये यहाँ का है, तो इसलिए हमें ऐसे ही रखना होगा ये, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसमें फिट कर देना है ये, दिख रहा है पानी इसमें आ चुका है। और अब मुझे कोई भी कलर वगैरह जो भी हमें इसमें लगाना है, जैसे हमने ब्रश में कलर लगाया, जैसे जस्ट हमने ब्रश में धो दिया, ये जस्ट बटन दबाया पानी गया, फिर धोया साफ़ पानी आ गया,
हाँ नाइस वर्क। हाँ ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, और क्योंकि मैं आर्ट का वर्क भी करती हूँ, पेंटिंग है वगैरह जो बताती हूँ सिखाती हूँ, तो मेरा इसमें काफ़ी जो है हमें इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें बार बार जो है जो पानी हमें बार बार हमें कप बदलना पड़ता है, पानी बदलना पड़ता है, फिर पानी जो है थ्रो करो, फिर पानी रिन्यू उसको, फिर पानी लाओ उसमें वाटर भरो, तो वो सारी चीज़ एक हेडेक जो होती है ना वो ख़त्म। सिर्फ आपको एक बार ये कंटेनर भरना है, आपको ब्रश यहाँ धोना है, और बस जस्ट ड्रेन किया और आपका ब्रश साफ। और ये अच्छा है कि हमारे साइड में जो ये दिए हुए हैं, एक सेकेंड, जो हमारा साइड में इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप आराम से ब्रश को इस तरीके से धो सकते हैं, ये तो हमारा ब्रश बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा इस तरीके से। ये वापस से पानी भर गया, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कहीं भी जाना हो, जो आर्टिस्ट लोग हैं जो कि बाहर भी जाते हैं सिखाते भी हैं, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार पानी इसमें भर लिया तो हमें बार बार इसमें भरने की ज़रूरत नहीं, बस ये है कि इसको हिलाना नहीं है। देखो मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ही उठाया था, तो इससे क्या हुआ मेरा ये बोर्ड जो है वो गीला हो गया, क्योंकि यहाँ जो पानी का प्रेशर है वो उसी हिसाब से आता है, तो अगर हम इसको बार बार मूवमेंट करेंगे तो ये पानी इसमें गिरने लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पानी इसमें गिरे ना, बहुत अच्छे से इसको फिट कर देना है, बस वापस पानी भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इसका बटन हो गया। ठीक है, ये बटन है, ये हमारा इस तरीके से है, ये हमारा कंटेनर, और टोटली ये इस साइज़ में है। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा ये, और जिनको लेना हो वो इसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइटम है ये, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, जिसको लेना हो वो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे भी नेक्स्ट इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता चले आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। ओके, बाय बाय।